नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नए रिक्वायरमेंट के साथ। और इस वीडियो में उस रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। और इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक है वो भी हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। और ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। ये निकली इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के अंदर, यानी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसमें नॉन टीचिंग एंड टेक्निकल एंड पैरामेडिकल की पोस्टें रहने वाली है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है ग्रुप सी के लिए, तो पोस्ट ए की देर की है, लेकिन परमा जो पेमेंट है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपको मिलेगी। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रुप सी की फार्माकोलॉजी के लिए पोस्टें हैं, अनरिजर्व की एक पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है, और पेमेंट है वो भी 29,200 से लेकर 92,300 तक मिलने वाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात की जाए तो अनरिजर्व की तीन पोस्ट हैं, ओबीसी की दो, एसटी की एक, ईडब्ल्यूसी की एक पोस्ट हैं। उसके बाद पंचकर्मा के लिए बात की जाए तो अनरिजर्व की दो पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, एससी की एक है, एसटी की एक है और ओबीसी की एक पोस्ट है। उसके बाद स्टाफ नर्स पीजी हॉस्पिटल की बात करें तो इसके लिए अनरिजर्व की दो हैं, ओबीसी की दो हैं, एसटी की एक है, ईडब्ल्यूएससी की एक पोस्ट है, और परमन जो पेमेंट है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। उसके बाद फार्मासिस्ट आयुर्वेद ग्रुप सी की पीजी हॉस्पिटल के लिए पोस्ट हैं, सभी के लिए अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट हैं। पर मंथ पेमेंट है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक मिलने वाली है। उसके बाद मिडवाइफ ग्रुप सी पीजी हॉस्पिटल के लिए अनरिजर्व की दो पोस्ट हैं, ओबीसी की एक पोस्ट है, और परमन जो पेमेंट है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलने वाला है। काफ़ी पोस्टें कम हैं लेकिन यहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली और ये परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। और इससे संबंधित इसका एप्लीकेशन फॉर्म है और अन्य जानकारी है तो इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 30/4/2020 थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये 30 जुलाई 2020 कर दी गई है। यानी इसकी डेट पहले ये जो फॉर्म निकला था उसमें ये डेट थी, लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद इससे संबंधित जो क्वालिफिकेशन है इससे रिलेटेड हमने पहले वीडियो बनाया था और इसमें भी आप देख सकते हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके क्या क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट रहने वाली है और परमंथ पेमेंट की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए और उस सभी से रिलेटेड जो जानकारी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो संपूर्ण डिटेल्स है उसका वीडियो पहले बनाया था, अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई इसलिए दोबारा बना रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी पूरी जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिए, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है और किस प्रकार यहाँ पर फीस रहने वाली है और क्या प्रोसेस रहेगी वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है यहाँ पर कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी होने वाली है और परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करने वाले हैं और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।